Good evening, dear students. Today, I shall be talking about the Chinese judicial system. मैंने आप लोगों के WhatsApp ग्रुप में ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ भेज दिए हैं. आप लोगों ने अगर ये नोट देखा है तो आपको समझ में आया ही होगा कि चाइना में जुडिशियल सिस्टम कैसे दिखता है. अब जो नोट आप लोगों को मिला है उसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहूँगी कि चाइना में जुडिशियरी दिखता कैसा है. ओके, तो देखिए, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि जुडिशियरी इन चाइना में जो जुडिशियल व्यवस्था है वो असल में कोई दूसरे देश जैसा नहीं है. तो पहले ही मैंने बताया था कि चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक है. ओके, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम पश्चिमी देशों की तरह या फिर इंडिया की तरह ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है. तो डेमोक्रेटिक ना होने की वजह से चाइना का कोर्ट्स यानी अदालत इंडिपेंडेंट भी नहीं है और इम्पार्शियल भी नहीं है. यानी कि यहाँ के जुडिशियरी को हमेशा नेशनल पीपल्स कांग्रेस और उसके स्टैंडिंग कमेटी की नज़रदारी में ही काम करना पड़ता है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसको कम्युनिस्ट पार्टी की नज़रदारी में हमेशा रहना पड़ता है. तो अन्य देशों में जैसे कि US में, यूरोप में या फिर इंडिया में जुडिशियरी का ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद होता है लोगों को इंसाफ दिलाना, और वो भी किसी डर या किसी अथॉरिटी के डर से नहीं, लोगों को इंसाफ दिलाना, इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली विचार करना, यही होता है जुडिशियरी का काम. लेकिन चाइना में जुडिशियरी का काम सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलवाना नहीं है, बल्कि जुडिशियरी का काम होता है सोशलिज्म का हर एक प्रिंसिपल को अच्छी तरह से संरक्षण करना, और साथ में इस बात को एंश्योर करना कि यहाँ कम्युनिज्म सुरक्षित रहे. तो जुडिशियरी का खास मकसद है कैसे कम्युनिज्म को सोसाइटी की हर एक क्षेत्र में सक्सेसफुली प्रयोग किया जा सके, कम्युनिस्ट इडियोलॉजी को कैसे सुरक्षित और ज़िंदा रखा जाए देश भर में, और सबसे बड़ी बात सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को सुरक्षित करना. तो चाइना की जुडिशियरी का मकसद इंडिविजुअल को जस्टिस या इंसाफ दिलाना ज़्यादा नहीं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य रहता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इस देश में संरक्षण करना. अब आइए देखते हैं जुडिशियरी यानी कोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है. तो चाइना में सबसे ऊपर यानी कि एपेक्स कोर्ट जो है, ऊंचाई पर सबके सर के ऊपर जो कोर्ट बैठा है उसका नाम है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट. तो जैसे इंडिया में सबके ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक उसी तरह चाइना में भी सभी कोर्ट्स के ऊपर जो एपेक्स कोर्ट बैठी है उसका नाम है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट. अब सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपके नोट में लिखा है. यहाँ कौन रहता है कोर्ट में? एक प्रेसिडेंट रहता है. उनके काम में मदद करने के लिए कई सारे वाइस प्रेसिडेंट्स यानि सहयोगी प्रेसिडेंट्स रहता है, कुछ जजेस रहता है और अन्य कुछ सदस्य रहता है. तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट को यानि कि सुप्रीम पीपल्स कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करता है NPC यानि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के डेपुटी. और अगर नेशनल पीपल्स कांग्रेस अधिवेशन में ना हो तो उनकी जगह स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर लेते हैं.
उसके बाद प्रेसिडेंट के सिफारिश के अनुसार एनपीसी के डेपुटीज कोर्ट के अन्य सदस्यों को अपॉइंट करता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एनपीसी और उसके स्टैंडिंग कमिटी ही कोर्ट के प्रेसिडेंट और अन्य मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो पीपल्स सुप्रीम पीपल्स कोर्ट अपने सभी कारनामों के लिए एनपीसी और उसके स्टैंडिंग कमिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अगर एनपीसी या फिर उसकी स्टैंडिंग कमिटी को लग रहा है कि कोर्ट या फिर कोर्ट के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के अलावा दूसरे मेंबर्स भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट और अन्य मेंबर्स को अपने पद से इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर सकता है एनपीसी के डेपुटीज। ओके, तो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और बाकी सदस्यों का भी एक फिक्स टर्म रहता है, जो आपके नोट में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एक प्रेसिडेंट, कुछ वाइस प्रेसिडेंट और कुछ जजेस और दूसरे कुछ मेंबर्स को लेकर बनता है, जिनका अपॉइंटमेंट एनपीसी और उसका स्टैंडिंग कमेटी करता है। फिर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के नीचे जो कोर्ट है उनको कहा जाता है लोकल पीपल्स कोर्ट्स। तो लोकल पीपल्स कोर्ट्स आपको कहाँ मिलेगा? प्रोविंस में, म्यूनिसिपैलिटीज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और ऑटोनॉमस इलाकों में। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की तरह लोकल पीपल्स कोर्ट में भी एक प्रेसिडेंट रहता है, उनके काम में सहयोगिता करने के लिए कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स रहता है और कुछ दूसरे जजेस और दूसरे कुछ सदस्य रहते हैं। तो जैसे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में होता है, वैसे लोकल पीपल्स कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट कैसे होता है? हर एक प्रोविंस में, म्यूनिसिपैलिटी में और ऑटोनॉमस रीजन में लोकल पीपल कांग्रेस है। तो लोकल पीपल्स कांग्रेस के डेपुटी और लोकल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ही वहाँ के यानी लोकल पीपल्स कोर्ट के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट के सिफारिश, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार कोर्ट के बाकी के सदस्यों और जजेस लोगों को अपॉइंट करते हैं एलपीसी यानी लोकल पीपल्स कांग्रेस या फिर उसके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स। तो जाहिर सी बात है, लोकल पीपल्स कोर्ट भी अपने सभी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ के लिए लोकल पीपल्स कांग्रेसेस और उनके स्टैंडिंग कमेटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है, और चाहने पर लोकल पीपल्स कांग्रेसेस या फिर उसके स्टैंडिंग कमिटीज लोकल पीपल्स कोर्ट के प्रेसिडेंट या फिर दूसरे सदस्यों को अपने पद से इस्तीफा भी दिलवा सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये व्यक्तियाँ अपने काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद देखिए फिर कुछ अन्य कोर्ट्स है जिसको कहा जाता है स्पेशल पीपल्स कोर्ट्स। मतलब कुछ स्पेशल केसेस जब आता है तब उनको स्पेशल पीपल्स कोर्ट्स में ही एंटरटेन किया जाता है, उनकी कार्रवाई, उनकी सुनानी स्पेशल पीपल्स कोर्ट्स में ही होता है। और आखिर में है कुछ मिलिट्री कोर्ट्स, जहाँ पे मिलिट्री रिलेटेड केसेस का ही सुनवाई चलता है। ओके, तो चाइना में इन चारों कोर्ट्स के अलावा और एक स्पेशल किस्म के कोर्ट भी है, जिनको आप कहते हैं प्रोक्यूरेटरेट। तो प्रोक्यूरेटरेट क्या है? एक खास किस्म की अदालत जिसके जिम्मेदारी है चाइना की संविधान को सही मायने में सुरक्षित रखना। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई ऑफिस ऐसा कोई काम करता है जिसके वजह से संविधान में लिखे गए कोई भी विधान का उल्लंघन होता है, संविधान का अपमान होता है, तो वो मामला हमेशा प्रोक्यूरेटरेट में ही सुलझाया जाता है। तो प्रोक्यूरेटरेट में भी 4 प्रकार भेद है।
तो फर्स्ट इज एकदम ऊपर जो प्रोक्यूरेटरेट बैठा है उसको कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट। तो सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट में है एक प्रोक्यूरेटर जनरल यानी कि जो चीफ प्रोक्यूरेटर है, उसके अलावा कुछ सहयोगी प्रोक्यूरेटर्स और कुछ जजेस और दूसरे कमिटी के सदस्य। तो चीफ प्रोक्यूरेटर यानी कि प्रोक्यूरेटर जनरल को अपॉइंट करता है कौन? एनपीसी के डेपुटीज और एनपीसी की गैर मौजूदगी में उसकी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स और प्रोक्यूरेटर जनरल यानी चीफ प्रोक्यूरेटर के सिफारिश अनुसार दूसरे सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है। सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट के नीचे जो प्रोक्यूरेटरेट्स बैठे हैं उनको कहा जाता है लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स। ओके, लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट कहाँ पे बैठे हैं? इन द प्रोविंसेस, इन द म्यूनिसिपैलिटीज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन द ऑटोनॉमस रीजियंस, राइट। तो ये जो लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स है यहाँ पर भी प्रेसिडेंट है यानी कि सॉरी प्रेसिडेंट नहीं प्रोक्यूरेटर जनरल यानी कि चीफ प्रोक्यूरेटर है, उनको सहयोगिता करने के लिए कुछ सहयोगी प्रोक्यूरेटर्स है, कुछ जजेस है और कमिटी के मेंबर्स है। तो यहाँ पर भी जो चीफ प्रोक्यूरेटर यानी कि प्रोक्यूरेटर जनरल होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? लोकल पीपल्स कांग्रेसेस यानी कि प्रोविंसेस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऑटोनॉमस रीजियंस में जो लोकल पीपल्स कांग्रेसेस है वहाँ के डिप्यूटीज ही अपॉइंट करते हैं और फिर चीफ प्रोक्यूरेटर जनरल के सिफारिश अनुसार दूसरे सदस्यों को अपॉइंट करते हैं एलपीसी के डिप्यूटीज या फिर उसके स्टैंडिंग कमिटीज। माइंड यू एलपीसी यानी कि लोकल पीपल्स कांग्रेसेस और उसकी गैर मौजूदगी में उनके स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर्स ही इन लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। तो सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट, उसके बाद लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट, इन दोनों के अलावा और दो तरह के प्रोक्यूरेटरेट्स हैं। स्पेशल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स जहाँ पे कुछ खास किस्म के मामलाओं का सुनवाई होती है एंड फाइनली द मिलिट्री प्रोक्यूरेटरेट्स जहाँ पे मिलिट्री केसेस को सुनवाई किया जाता है। तो ये है चाइना की जुडिशियल व्यवस्था यानी कोर्ट्स और प्रोक्यूरेटरेट्स का स्ट्रक्चर जो मैंने आसान जुबान में आप लोगों को लिख के भेजा है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि कोर्ट्स और जुडिशियरी का पोजीशन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम में, चाइना की प्रशासनिक व्यवस्था में यहाँ पे जुडिशियरी का क्या पोजीशन है, जुडिशियरी का रोल क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा? देखिए, यहाँ पर ही आप लोगों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है यानी कि मूल्यांकन करना है। तो देखिए, चाइना में विचार व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड विचार व्यवस्था है यानी कि जो इंडिपेंडेंटली या फिर इम्पार्शियली काम नहीं कर सकता है यानी कि इसको हमेशा किसी ना किसी दबाव के नीचे रहकर काम करना पड़ता है। तो कौन कौन सी दबाव? पहली दबाव ये है कि चाइना का जुडिशियरी का जो कोर्ट्स है उन सबको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना है जो कि डेमोक्रेटिक देशों में नहीं होता है। तो डेमोक्रेटिक देश जैसे यूएसए या फिर यूरोप में क्या है, यहाँ पर कोर्ट्स को हमेशा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाता है, इंडिपेंडेंट रखा जाता है। लेकिन चाइना में हमेशा सुप्रीम पीपल्स कोर्ट बोलिए
लोकल पीपल्स कोर्ट बोलिए, सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट बोलिए या लोकल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट बोलिए, सबको लेजिस्लेचर यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट काउंसिल के प्रेशर के नीचे काम करना पड़ता है। हमेशा हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक फंक्शन के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रति या फिर लोकल पीपल्स कांग्रेसेस के प्रति। तो कोई भी केस पर विचार करते वक्त, कोई भी केस पर अपना सुनवाई, अपना राय, अपना वर्डिक्ट देने के वक्त इन्हें ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं देना है जिसकी वजह से उनका एनपीसी के लोगों को वो नाराज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही इन्फ्लुएंस रहता है कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर। तो कभी भी कोर्ट्स ऐसा कोई राय नहीं देगा जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमिटी या पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स को नाराज़ कर सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चाइना में जुडिशियल व्यवस्था हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव के नीचे रहकर काम करता है, जिसकी वजह से इसकी इम्पार्शियलिटी या फिर इंडिपेंडेंस काफ़ी क्वेश्चनेबल है। तो जिस मकसद से कोर्ट सिस्टम या विचार व्यवस्था को बनाया जाता है यानी कि लोगों को इंसाफ दिलवाना, वो काम जुडिशियरी सही तरीके से नहीं कर पाता है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, हाल ही में ये बात सबके सामने आया है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद कुछ डॉक्टरों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के सामने ये बात स्वीकार किया था कि ये जो वायरस, इसका पैदाइश चाइना के युहान के लैबोरेटरी में हुआ है। और ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आया, चाइना के वो डॉक्टर्स जिन्होंने ऐसी बात सबके सामने प्रचार किया था, उनका अचानक मौत हो गया। तो चाइनीज़ अथॉरिटी ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ने ये दावा किया कि वो सब डॉक्टर्स वायरस की वजह से मर गए, उनको कोविड हुआ था तो मर गए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। चाइना में जो कोई भी अथॉरिटी के खिलाफ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहता है तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन जुडिशियरी इस मामले में किसी को इंसाफ नहीं दिलवा पाती है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कि चाइना की आम इंसान के हक के लिए लड़ रहे हैं। आम इंसान भी बाकी देशों की तरह चाइना में भी लोग अपना ह्यूमन राइट्स, मानविक अधिकार सही तरीके से भोग सके, फ्रीडम और आज़ादी से जी सके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सके। इस बात को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को इनके काम के बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट इन सब के मुंह बंद कर देते हैं। या तो इन लोगों का कत्ल कर दिया जाता है या फिर इनको सालों तक जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या फिर इनको किसी दूसरे देश में ज़बरदस्ती बाहर भेजा जाता है। तो जुडिशियरी को इन सब मामलों पर हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन चाइना की जुडिशियरी को इतना पावर नहीं है कि वो इन सब मामले में कुछ कर सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आ रहा है, आप में से ही किसी बच्चा ने मुझे सवाल किया था कि क्यों चाइना में ये जो उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके ऊपर चाइनीज़ सरकार इतना जुल्म उठाते हैं और कोई कुछ कहता क्यों नहीं। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि चाइना में एक प्रोविंस है, एक रीजन है जिसका नाम है जिंगजियांग।
और जिंगजियांग प्रदेश में, ये एक प्रोविंस है प्रदेश, इस जिंगजियांग प्रोविंस में जो कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको उइघुर मुस्लिम कहा जाता है। उइघुर, UIGHUR, तो उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी ये जिंगजियांग रीजन में रहने वाला मुस्लिम कम्युनिटी है जिस पर चाइना की कम्युनिस्ट सरकार बहुत जुल्म करता है, इस पर बहुत अत्याचार करता है, इनके मानविक अधिकार को लंघन करता है। क्यों? क्योंकि चाइना कभी भी इनको आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ जीना नहीं देना चाहता है। हमेशा उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम बोलकर इनको आउटकास्ट समझा जाता है, इनका अधिकारों को लंघन किया जाता है और चाइना को डर है कि कभी भी उइघुर कम्युनिटी आंदोलन करके, रिवोल्ट करके जिंगजियांग प्रदेश को चाइना से सेपरेट कर सकता है। तो इस डर से चाइना ने इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। वहाँ पर क्या चलता है? जानवरों की तरह इन उइघुर मुस्लिम्स को तंग किया जाता है, इनको सिविलाइज करने की नाम पर इनके ऊपर जुल्म होता है, इनके बच्चों को एडुकेशन नहीं मिलता है, माओं को, बहनों को घर से बाहर नहीं आने दिया जाता है, मर्दों को डिटेंशन कैंप में रखकर बहुत जुल्म उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि उइघुर मुस्लिम्स अपना हक, अपना राइट्स दावा करें, अपना राइट्स क्लेम करें, और चाइना को डर भी है कि उइघुर मुस्लिम्स जिंगजियांग रीजन को शायद चाइना से सेपरेट कर दें। तो इन सब मामलों में जुडिशियरी यानी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट या फिर लोकल पीपल्स कोर्ट को कुछ करना चाहिए था। जो उइघुर मुस्लिम्स पर अत्याचार होता है उनका अधिकार, उनको इंसाफ दिलवाना, उनके अधिकार को सुरक्षित करना, ये सब काम करना चाहिए था कोर्ट्स को, लेकिन कोर्ट्स नहीं कर पाता है। वजह क्या है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जो कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस लेक्चर से आपको चाइनीज़ जुडिशियरी के कैरेक्टर, उसके स्ट्रक्चर और उसके पोजीशन के बारे में कुछ समझ में आया होगा। नोट पढ़िए, इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।